Hey guys, welcome back to my channel. तो आप सब कैसे हो? मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है. आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दहीवाड़े की रेसिपी. वैसे बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी दहीवाड़े बनेंगे, तो चलिए सिंपल सा दहीवाड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं. यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. इसके लिए हमने उड़द का दाल कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे, तो अच्छे से भीग गए हैं. तो इसमें हम देखिए मिक्सी के जार में इसका पेस्ट तैयार कर लेना है. तो बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट तैयार हो गया है. अब हमें इसे कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फेंटना है, लगातार हमें इसी तरीके से. इसे हमने 3 से 4 मिनट लगातार फेंटे हैं, तो इसे अब हम साइड में रखते हैं. इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने दही ले रखे हैं, तो इसमें हम 2 चम्मच चीनी ऐड कर रहे हैं. अब हमें दही और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है. देखिए इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा आता है. तो देखिए बहुत ही अच्छे से जो है चीनी मेल्ट हो गए हैं, दही भी बहुत ही स्मूथ हो गए हैं. इधर हमने गैस पर कढ़ाई में तेल करके रख दिए हैं, अच्छे से तेल गर्म हो गए हैं, तो अब हम फ्राई कर लेते हैं. तो देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हल्का हल्का तेल डालते रहेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और उतना ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे जितना ये फूलेंगे. इसे हमने 3 से 4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई किए हैं, तो इसका कलर भी हल्का गोल्डन हो गया है. तो इसे अब हम निकाल लेते हैं अलग. और इधर देखिए हमने गर्म पानी ले रखे है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए है. अब इसे हम गर्म पानी में इस तरीके से डाल देते हैं. पानी में डालने के बाद 30 से 40 सेकंड रखते हैं पानी में, बहुत ज्यादा पानी ना कि गर्म रहे. तो इसे अब हम पानी से निकाल देते हैं. अब हम इसके ऊपर जो ये हमने दही तैयार करके रखे हैं डाल देते हैं. अब हम इसपे थोड़ा सा मैगी मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देते हैं. अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा हरा चटनी ऐड कर देते हैं. बस इसमें चुटकी भर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दे, स्प्रिंकल कर दे, और ऊपर से हल्का सा दही लगा दे. तो लीजिए हो गया ना दहीवाड़ा तैयार, और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी. और आप सबको ये दहीवाड़ा की रेसिपी कैसा लगा इसे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा. और आप सब देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट दहीवाड़े बने हैं, और इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा. यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे.